फ्रेश एंड फास्ट में एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण की जयंती है, लेकिन उनकी जयंती पर उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत हाई हो गई है। लखनऊ का जेपीएनआईसी सेंटर बंद होने पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला देखने को मिला और कहा यह बीजेपी की बंद सोच का प्रतीक है। दरअसल आज अखिलेश को जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने जाना है, लेकिन उससे पहले ही जेपीएनआईसी सेंटर का गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद अखिलेश और पूरी समाजवादी पार्टी भड़क गई। देर रात अखिलेश यादव खुद जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचे, लेकिन सेंटर को टीन शीट से सील किया गया और गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद ये पूरा जो सियासी बवाल है वो शुरू हो गया। आज सुबह करीबन 10 बजे अखिलेश यादव को वहां पर पहुंचना है, लेकिन उससे पहले ही ये देखिए माहौल कितना गरमाया हुआ है। बैरिकेटिंग है, पुलिस टीम वहां पर मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं और जेपीएनआईसी सेंटर में माल्यार्पण करने पहुंचना था। तो पिछले साल भी जेपी की जयंती पर सियासत देखने को मिली थी। ये दो तस्वीरें आपके सामने, 11 अक्टूबर 2023 की और अभी की तस्वीर आप देखिए। जेपी की जयंती पर यूपी की राजनीति में कैसे सियासत हो रही है वो आप देख रहे हैं तस्वीरें। तो जेपी सेंटर बंद है और सियासत शुरू हो गई है और अखिलेश यादव आज सुबह 10 बजे वहां पर पहुंचेंगे। आप 10 बजे कैसी क्या तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो वो भी आप नव भारत पर देखिएगा, क्योंकि कल से इस पूरे मामले को लेकर माहौल बना हुआ है, कल से इस पर चर्चा जारी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य हो रहा है और उसी का हवाला दिया गया है, इसीलिए टीन शेड वहाँ पर लगाई गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कह रहा है कि ये बीजेपी की बंद सोच का नतीजा है। और आज अखिलेश यादव को पहुंचना है, सुबह 10 बजे वो पहुंचेंगे, लेकिन सेंटर के बाहर टीन शेड लगा हुआ है। लखनऊ प्रशासन का कहना है कि जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है, बेतरतीब ढंग से, और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा और माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। मनीष जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। मनीष, क्या हो रहा है अभी ये बताइए, आज 10 बजे भी पहुंचने वाले अखिलेश यादव? देखिए, अभी की जो स्थिति है यहाँ पे पूरे आवास और पार्टी कार्यालय के ऑफिस बैरिकेटिंग आपको सामने नजर आएगी, बैरिकेट कर दिया गया है। अखिलेश यादव न निकलने पाए, जेपीएनआईसी न पहुंचने पाए, इसकी पूरी तैयारी प्रशासन ने की है। आरएएफ को भी बुला लिया गया है कि अगर ऐसी स्थिति आए कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेटिंग हटाने की कोशिश करें तो आरएएफ की सहायता भी ली जा सके, उसकी पूरी व्यवस्था है। जेसीपी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तर्क ये दिया गया है हिमांशु कि जो जेपीएनआईसी की इमारत है, दरअसल वहां पर वो निर्माणाधीन इमारत है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई पत्थर आ सकता है, किस कोई हादसा हो सकता है, जो अखिलेश यादव की सिक्योरिटी है उसके लिए घातक हो सकता है। बाकायदा लेटर एलडी ने जारी किया है, उसके लिए अखिलेश यादव वहां ना पहुंचे, एलडी ने अपील की है। लेकिन जैसा पिछले साल देखने को मिला था कि अखिलेश यादव वहां पर गए थे और जो चार दीवारी है उसको कूद के बिल्डिंग के अंदर पहुंचे और वहां पर माल्यार्पण किया, तो ऐसे में इस स्थिति से बचने के लिए कल देर शाम पूरी जो जेपीएनआईसी सेंटर है उसके बाहर बड़ी बड़ी टीन शेड लगा दिए गए ताकि कोई अंदर न जाने पाए। अखिलेश यादव यहां से न निकले तो यहां पर उनके आवास के बाहर बैरिकेड कर दिया गया। पार्टी कार्यकर्ता शोर शराबा हंगामा ना करें और यहां से निकलने की कोशिश ना करें, तो ऐसे में पार्टी कार्यालय के बाहर भी बैरिकेटिंग लगाकर उसे बंद कर दिया गया। अभी एक रास्ता छोड़ा गया है आवागमन के लिए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेताओं से जानकारी मिल रही है कि 10:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव जाएंगे। समाजवादी पार्टी के चिंतक रहे, समाजवादी पार्टी के जो आईकॉन मनीष आप तो वहां पर मौजूद हैं ही, तो 10:30 बजे क्या तस्वीरें देखने को मिलती हैं वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।